दिन बाद भी कैराना में हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं, पुलिस कप्तान ने दिए कार्यवाही के निर्देश। कैराना में 2 जून को एक युवक की हत्या के मामले में आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। परिजनों ने आज SP ऑफिस पहुंचकर फिर कार्यवाही की मांग की है, जिस पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने तुरंत ही कैराना थाना प्रभारी को कार्यवाही करने के सख्त आदेश दिए हैं। कैराना थाने के गांव जहानपुरा निवासी महमूद पुत्र कामिल ने बताया कि उसके 25 वर्षीय बेटे सारिक की गत 2 जून को हत्या कर दी गई थी और उसके शव को ट्यूबवेल की पानी से भरी होदी में बरामद हुआ था। आज 21 जून को शामले पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मृतक के दादा हारून आदि लोगों ने बताया कि हत्या के मामले में आमिर पुत्र जाहिद, जावेद पुत्र जाबिर, सादिक पुत्र सादीन व 2 अज्ञात लड़कों के नामजद करते हुए कैराना कोतवाली में तहरीर दी गई थी और जब तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तब हमें SP ऑफिस आना पड़ा। दादा हारून ने यह भी बताया कि जावेद एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है जिसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जावेद मुकीम उर्फ काला गिरोह का भी सदस्य है। पीड़ितों ने बताया कि SP साहब की बातों से अब हमें कार्यवाही का विश्वास हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट शामली, सलेखचंद वर्मा की रिपोर्ट। यहाँ शामली में कप्तान साहब के ऑफिस में आए हो जी, कहाँ से आए हो, अपना नाम बताओ। मेरा अरुण नाम है जी, जानपुर से आए, कैराना थाना। अच्छा, क्या मामला है? 2 तारीख में मेरे पोते का मर्डर हो गया था जी, उस संबंध में आए थे जी। इसी 2 जून में? हाँ जी, इसी में। अच्छा, मर्डर हो गया था जी। फिर तो मामला दर्ज हो गया था? नहीं नहीं हुआ नहीं जी, आज तक मामला दर्ज नहीं हुआ, कोई दर्ज नहीं हुआ जी। अच्छा, फिर शिकायत करी होगी, तहरीर तो दी होगी? कोतवाल साहब से तहरीर दी थी, उन्होंने कहा मेरे से तहरीर नहीं मिली। अच्छा, रोज चक्कर काट रहे थे के, आज यहाँ आए कप्तान साहब के पास, इसने आश्वासन दिया पूरा बहुत अच्छे है, हमें आश्वासन मारा दिल भर गया को कप्तान साहब ने मिल गए। यानी हम तो बिल्कुल नू थी सारी, बस डूब के मर जे गई, हमारा कोई मामला जीने का अधिकार ही नहीं था जी। अगर कहना थाने का तो मामला देख के, तो ऐसा जैसे कप्तान है ना, पुलिस से पूरी तरह विश्वास ना ना बिल्कुल उठ गया जी। वहाँ तो रोज कांड हो रहे के, हाँ तो परमवीर राणा, करमवीर राणा के जैसे तो कोतवाल जिब तक राणा रहेगा। हाँ जी, एक करमवीर राणा रहा जी वहाँ खानले थाने में, इतना गुंडा दिखाई नहीं दिया। अरे उभर गए, यह बरसात में मिंडक निकल गया ना, ऐसा गुंडा सड़क पर निकल गया जी। तो तुम्हारे मामले में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? ना, अभी नहीं हुई जी। अच्छा, जो पैसे वैसे की कुछ बात आई थी सामने, वो क्या मामला था? कैसा जी, पैसे वैसे देने के बारे में क्या बात थी? तो अब जो है आप यहाँ आए हैं? हाँ जी, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है? कप्तान साहब ने पूरा आश्वासन दिया जी, और हम तो दुआ कर रहे हैं कप्तान साहब के लिए। ऊपर वाला लंबी आपने जो तहरीर दी थी, कितने लोगों के नाम थे उसमें? आमिर का था जी, और जी सारा परिवार से है या कौन? नहीं, अलग है जी, थिरा के है ये, मेरे गाँव में रहे थे, किराने में रहे। क्या वजह क्या हुई थी जो मर्डर हुआ? उसकी दोस्ती थी जी बहुत गाड़ी, फोन करके बुलाया अपने खेत पे, और था जी मामला पैसों का, मामला कुछ लेन देन का उसका। उनका जिसका मर्डर हुआ लड़का, क्या नाम था? सारिक। वो आपका क्या लगता था? पोता जी। आपका पोता था जी? उसके पिता का क्या नाम है? महमूद। अच्छा, उम्र कितनी थी उसकी? उसकी तकरीबन 26 के करीब थे, 23-24 के। शादीशुदा था? हाँ जी, शादी हुई। उसकी हत्या किस समय कब की गई थी? 2 तारीख में जैसा आपने बताया। 2 तारीख में जी यो की गई, गोली मार के हत्या हुई थी? नहीं जी, डूबो गए पानी में, डूबो पानी में उद्दी में डुबोने के कारण, ट्यूबवेल की होती में, ट्यूबवेल की होती में। अच्छा, नहाने के लिए साथ लेके गया था? हाँ जी। तो इस मामले में आपने कितने बताए, कितने कातिल हैं इसमें जी? 5 का पता लगा था हमें, वहाँ 5 लोग बैठे हैं और हमें तहरीर 3 के खिलाफ दे रखी जी। अच्छा जी, दो अज्ञात में। अब आपको जो है विश्वास हुआ कि आप? हमें विश्वास पूरा है जी कप्तान साहब पे, अब कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी जी, अब शुरू होगी आज कम से कम। उन्हें पूरा आप क्या लगते हैं? भाई जिन्होंने उसका शारिक का भाई। अच्छा, आज कप्तान 19 दिन हो ले जी, हमने थाने के चक्कर काट रहे जी, रोज आना CO साहब के वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। आज हम कप्तान साहब के पास आए, कप्तान साहब ने जी हमारी बात सुनी, तुरंत एक्शन लिया जी, इंस्पेक्टर साहब बुलाए जी यहीं। अच्छा जी, उन्हें आश्वासन दिया हमारे से भाई 2 दिन में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। दर्ज हो जाएगा वो सर, बहुत अच्छा आदमी है जी, तुरंत सुनवाई कराई जी।